फाइनली मेहनत के बाद जो है ना गड़ा कर लिया है मैंने, मज़दूरों की तरह मेहनत की है मैंने, ये देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पौधे लगाना शुरू करते हैं, जगह तैयार है। इससे पहले मैं खाद भरूँगी और जो है ना उसके बाद फिर इसमें वो वाले पौधे लगाऊंगी। बोरे में जो है ना चिकनी और नरम मिट्टी है। फाइनली फाइनली जो है ना मैं जैस्मिन का प्लांट ले आई हूँ यहाँ पर, इस जगह मैंने इसे लगाया है। ये थोड़ा सा हरा भरा रहता है गर्मी के मौसम में, तो इसे यहाँ पर लगाना ठीक होगा। तो ये मेरा डिसीजन था, आगे से मैं इसे लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको उसकी केयर टिप्स के बारे में बताऊँगी और आपको बताऊँगी कि क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इसे रिपोर्ट करते वक्त। इसे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, तो जो है ना इसे लगाते ही जो है ना इसकी स्टेम्स मुरझा जाती हैं। अक्सर अक्सर जब हम पौधे को मुंतकिल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। उन बातों में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इसकी रूट को अच्छे से, रूट बॉल को निकालना, ठीक है। जब पौधा ज़मीन में लगा होता है, जो वो ज़मीन में लगा हुआ था वहाँ पर, लेकिन जो है ना वहाँ काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा साया सा था दूसरे पौधों की वजह से ही, क्योंकि वहाँ पर रात की रानी लगी हुई है और जो है ना रात की रानी के करीब ही ये था, तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी मुतासर हो रही है। धूप की इसको अच्छी ज़रूरत पड़ती है, अगर इस पर अच्छे से धूप लगे तो जो है ना इसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बन सकती हैं, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर लगाया है। तो इसकी मैंने कटिंग की है, हार्ड प्रूनिंग की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा मैंने इसे कट कर लिया है, क्योंकि जिस भी पौधे को अगर हम एहतियात से भी मुंतकिल करें तब भी जो है ना आधी रूट्स तो ज़ाया हो ही जाती हैं। तो पौधे को कम से कम जब आधी रूट इसकी ज़ाया हो गई हैं ज़मीन से निकालते वक्त, तो अक्सर आधी रूट ही ज़ाया होती है, ठीक है। तो फिर आपको जो है ना इसे आधे आधा कट करना है, ठीक है। ये तो थोड़ी सी स्टेम्स इसकी जो है ना, जाहिर सी बात है जो है ना मुंतकिल किया है तो थोड़ी सी डैमेज हुई हैं या लटक गई हैं थोड़ी सी, लेकिन ये रिकवर हो जाएंगी। थोड़ी सी मैंने इसमें जो है ना लीव भी उतारी हैं, तो लीव भी यहाँ पर रख दी हैं और जो है ना स्टेम्स भी मैंने इसकी निकाली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी मोटी मोटी स्टेम्स और नई ग्रोथ वाली थी, वो उसे हटाना पड़ा मुझे। तो हटाने की भी वजह यही थी कि जो है ना पौधे को बचाना, अगर आप नहीं चाहते, क्योंकि पौधे की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो पाती, पौधे की नीड ही नहीं पूरी हो पाती। जाहिर सी बात है नीचे मैंने अच्छी खासी खाद भी डाली है, खाद की इसे अच्छी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी से होती है, इसकी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे खाद डालें। गोबर की खाद इसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें कटिंग करनी चाहिए, लेकिन जो है ना इसकी कटिंग अक्सर सर्दी के मौसम में मैं करती हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में इस पर जो है ना वो जाती है अटैक भी होता है लीफ पर, इसकी जो है ना छोटे छोटे से जो है ना कीड़े होते हैं उनका अटैक होता है और जो है ना इसकी स्टिम्स भी सूख जाती हैं तकरीबन, इसकी ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक जाती है सर्दी में। तो सर्दी का मौसम इसके लिए बेहतरीन होता है कि इसकी जो है ना हम कटिंग करें और इसकी केयर करें। सर्दी के मौसम में इसे खाद देते रहें आप, ताकि पौधा मरे नहीं मुकम्मल तौर पर, लेकिन इसकी जो है ना मुकम्मल ग्रोथ अगर होती है तो वो जो है ना गर्मियों के मौसम में होती है। अब चूँकि गर्मियाँ आ गई हैं तो इसकी ग्रोथ बढ़ने का मौसम है, और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा दरवाजे के करीब है मेरे घर के, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर अच्छे से खुशबू आए और मेरे घर में भी फैल सके। अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो फिर से आप पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इन पौधों को जो है ना मुंतकिल करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। अगर आपको सही से नहीं पता तो जो है ना एक जगह से आपको इसे मुंतकिल नहीं करना चाहिए दूसरी जगह पर। और ये सभी फ्लावर प्लांट में होता है, सभी जो है ना फूल वाले पौधों में होता है, जैसे कि रात की रानी हो गई, जैस्मिन प्लांट हो गए, इसमें दिन का राजा, या इस तरह के और जो फ्लावर प्लांट होते हैं, जो गुलाब के पौधे होते हैं, वो सभी कानून लागू होते हैं इसमें, क्योंकि जो इनकी जड़ें नाजुक होती हैं, उनकी जड़ें टूट जाती हैं, रूट बॉल टूटता है अक्सर इसमें। अगर आपने जो है ना गमले में लगाया हुआ है तो आपने गमले को पानी नहीं देना दो तीन दिन तक, और फिर इसके रूट बॉल को निकालना है और फिर दूसरी जगह से शिफ्ट करना है। थोड़ा सा ही रूट बॉल को जो है ना आपने हटाना है और उसके बाद आपने इसे नए गमले में शिफ्ट करना है। तो जो है ना अगर आप इसकी जो है ना अच्छी ग्रोथ चाहते हैं या इसे मुंतकिल नहीं करना चाहते ज़्यादा, और इससे ज़्यादा जो है ना आप एक ही जगह चाहते हैं कि ग्रोथ होती रहेगी गमले में, तो 4x4 इंच का गमला इसके लिए बहुत बेस्ट होता है, वो बड़ा भी होता है, उसमें इसे एक दफ़ा अगर लगा देंगे ना इस पौधे को तो इसकी जो है ना ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी। साइड से आप फिर जो है ना इसमें गोबर और नीम खली पाउडर डालते रहें, इसकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। और जो है ना इस पर अक्सर जो है ना लीव कट का टैग भी रहता है। अच्छा मैंने जो है ना वो वीडियो बनाई भी है, मेरे चैनल पर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अक्सर जो है ना एक मक्खी होती है जो आकर इसकी लीव को कट करती है, तो वो गुलाब के पौधों पर भी आती है,
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, उसमें मैं दिखाया भी है इस मंकी को कि किस तरीके से वो जो है ना अमेजिंग ट्रिक के साथ जो है ना इसकी लीव को कट करके लेके जाती है। वो अक्सर गुलाब के पौधों के साथ भी इस तरीके से करती है, शायद वो घर बनाती है इनके लीव से। तो जो है ना अगर उसके बारे में कुछ मालूम चाहिए, उससे बचने के तरीके के बारे में अगर आपको केयर टिप्स चाहिए तो वो मेरी उस वीडियो पे आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप कि आपकी जो है ना गार्डन में जो है ना आप जैस्मिन प्लांट लगाएंगे और इन गर्मियों में खुशबू ही खुशबू पाएंगे अपने गार्डन से। अच्छा जो है ना जैस्मिन प्लांट का ये होता है ना कि अगर आप सुबह सवेरे जो है ना बहुत अच्छी खुशबू जाते हैं अपने गार्डन में, बिलीव मी 2-3 फूल भी लगे होते हैं सुबह के टाइम, तो अगर आप अपने गार्डन में आते हैं तो इतनी अच्छी सी कोई खुशबू होती है ना कि बता ही नहीं सकती। तो रात की रानी का प्लांट भी मैंने लगाया हुआ है, वो रात में काफ़ी ज़्यादा खुशबू करता है, मेरे घर की साइड भी इतनी सारी खुशबू आती है, और दोपहर में जो है ना वो फ्लेम वाइन काफ़ी सारी खुशबू करती है, लेकिन उसकी खुशबू थोड़ी सी कम है, ठीक है, लेकिन उसमें चूँकि फ्लावरिंग ज़्यादा होती है इस वजह से उसका मसला भी इतना होता ही नहीं है। फ्लेम वाइन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो वो दोपहर में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, और जो है ना शाम में जो है ना मेरी ये गुल अब्बास प्लांट के जो फ्लावर प्लांट है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्लावरिंग करते हैं, उसमें खुशबू भी बहुत होती है, बहुत प्यारी खुशबू होती है, बहुत सारे सीड होते हैं। इसके बारे में भी आप अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ से सीख सकते हैं, मेरे चैनल पर इसके बारे में वीडियो मौजूद है। अच्छा ये जो है ना येलो कलर का है, लेकिन मेरे घर पर जो है ना मैंने जो है ना रेड कलर का भी एक लगाया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें नई नई फ्लावरिंग शुरू हुई है, वो मैंने सीड से ग्रो किया है। आप जो है ना गर्मी में इन पौधों को सीड से ग्रो कर सकते हैं, तो जो है ना आप ज़रूर लगाएं। जैस्मिन प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, आपका गार्डन बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, तो आपको फूलों वाले पौधे ज़रूर ऐड करने चाहिए अपने गार्डन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।